السلام عليكم students, welcome to our channel. आज के दिन हम आ गए हैं जनाब मेरे रिकॉर्डिंग के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जनाब किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं पेपर टू में. पेपर टू में आपको पता है कि ये एक अच्छा ब्रीफ क्वेश्चन आता है, उस पर आपकी नॉलेज ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है. तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ. आप देख सकते हैं अक्टूबर नवंबर 2015 का पेपर हमने सेलेक्ट किया है आपके लिए. तो क्या है इसमें पेपर में हमारे लिए, आइए देखते हैं. तो ना हमारा क्वेश्चन ये कहता है, ए बी सी डी इज अ पेंटागॉन, एज यू कैन सी अ फाइव साइडेड डायग्राम विद वन लाइन ऑफ सिमेट्री. जनाब वो एक लाइन जो इसका आपको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है लाइक दिस. ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो इस ग्राफ को, इस डायग्राम को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है, जो शेप राइट साइड पर है वही शेप आपको लेफ्ट हैंड साइड पर नजर आएगा. अब इस ए बी को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक लाइन ऑर्डर करी विच इज ई बी विच इज पैरेलल टू बी सी. ऐसा करने से हम भी देख सकते हैं ये फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल और हमें एक दिख रही है राइट एंगल ट्राइंगल. लेकिन से पहले ये देखिए 22 सेंटीमीटर क्या चीज है ना. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू डी सी इज 22 सेंटीमीटर. ए और के दरमियान 22 सेंटीमीटर का फासला ये भी बताया गया हमें. ये 10 सेंटीमीटर एज यू सी इन द डायग्राम और हमें रिक्वायर है लेंथ ऑफ ए बी. इस मकसद के लिए हमने इस राइट एंगल ट्राइंगल को आपके लिए अलग किया है, जिसमें ए और बी मेंशन कर दिए गए हैं. अच्छा जनाब, आइए जरा इसकी कुछ साइड के बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले जनाब ये हमें डिस्कशन आया 12 सेंटीमीटर. सवाल पैदा होता है 12 सेंटीमीटर कैसे आ गया. आपको बताया गया था ये पूरी लेंथ 22 सेंटीमीटर है. अगर इसमें से ये 10 सेंटीमीटर माइनस कर दिया जाए तो फिर हमारे पास ये लेंथ आ सकती है विच इज 12 सेंटीमीटर. अब ये एक और लेंथ हमें दी गई 15 सेंटीमीटर. जनाब ये कैसे आ गई. ये पूरी लेंथ 30 सेंटीमीटर की है, क्योंकि ये लाइन इसको बाइसेक्ट करी, लिहाजा ये बेस 15 सेंटीमीटर की बन जाएगी एज यू कैन सी द डायग्राम. ए भी कैलकुलेट करना है राइट एंगल ट्रायंगल है जनाब, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया जाएगा. पाइथागोरस थ्योरम में इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हाइपोटन्यूज की सही सिलेक्शन हो, और हाइपोटन्यूज उस साइड को कहते हैं जो 90 के सामने है, यानी कि ए बी. ये जनाब हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर सब्सटीट्यूट किया, बेस सब्सटीट्यूट करा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 12 स्क्वायर 144 225, पेपर टू है, कैलकुलेटर अलाउ है, लिहाजा कैलकुलेशन में परेशानी की जरूरत ही नहीं. एड किया दोनों को 369. अब चूंकि हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर को हटाना है, लिहाजा हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई किया. जनाब कैलकुलेट करने पे बनता है 19.20937, लेकिन हमें चाहिए थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर. तो योर आंसर इज 19.2 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए बी. जनाब अगली फॉर्मेशन की आपसे है कि एंगल ए बी सी कैलकुलेट कीजिए. जनाब ये एंगल ए बी सी कैसे कैलकुलेट होगा ये जनाब देखते हैं. सबसे पहले उसी राइट एंगल ट्राइंगल को रिपीट कर रहा हूँ जो आपने लास्ट पार्ट में देखी थी. 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर लेंथ हमारे पास है. सरकार पहले डिसाइड करें एंगल ए बी सी है क्या. ये देखिए मैंने आपके सामने साइड सी भी दिखाई है, उसमें एंगल भी नजर आ रहा है आपको. ये जो ब्लू लाइन एंगल दिख रहा है ये है पूरा एंगल ए बी सी. इस एंगल के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा 90 जो हमें पहले से मालूम है, अलबत्ता ये जो छोटा सा एंगल है ये हमें कैलकुलेट करना है. और इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें डिसाइड करना टेंजेंट. क्यों जनाब, क्योंकि इस एंगल के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर और ये साइड हो जाएगी बेस. लिहाजा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जरिए हम यहाँ पर एंगल कैलकुलेट करेंगे. परपेंडिकुलर 12 हो गया, बेस 15 हो गया. अब इनवर्स के जरिए हम एंगल कैलकुलेट करेंगे. एंगल आ रहा है हमारे पास 38.6598. अच्छा अब चूंकि हमें चाहिए एंगल ए बी सी, लिहाजा 90 में इस एंगल को ऐड करा देंगे, ये बनता है 9128.6598. लेकिन एंगल का उसूल ये है कि एंगल को आपने वन डेसिमल प्लेस पर लिखना है. मींस हम यहाँ पर 6 पे स्टॉप करेंगे और 5 को रिमूव करेंगे, लिहाजा ये 5 यहाँ पर 7 में 6 में 1 ऐड करा के 7 बना देगा. तो एंगल आके ए बी सी आ जाएगा 128.7. आइए ना क्वेश्चन के अगले से में चलते हैं. क्वेश्चन का अगला साफ से कह रहा है ट्राइंगल पी क्यू आर. अच्छा दूसरी बात यह है कि जो पार्ट हमने ए किया उसके दो हिस्से किए, उसका पार्ट बी से कोई ताल्लुक है नहीं.
बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, अलग डायग्राम है, डायग्राम उन्होंने हमें मेंशन कर दी है। अब आपसे पूछ रहे हैं एंगल पी आर क्यू। मजेदार बात यह है कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, मतलब होल ट्रिग्नोमेट्री का कोई काम नहीं है यहाँ पर। फिर जनाब हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शंस, या तो साइन लॉ या को साइन लॉ। साइन लॉ की शर्त यह है कि अगर आपके पास एक पेयर कंप्लीट हो रहा है, मतलब आपके पास लेंथ भी दी है, उसके सामने वाला एंगल भी दिया हुआ है, दैट्स कॉल्ड वन कंप्लीट पेयर। ऐसी सूरत में आप साइन लॉ का इस्तेमाल करेंगे। हमें रिक्वायर है एंगल पी आर क्यू, यानी हमें एंगल ये आर एंगल रिक्वायर है। अब जनाब अली हम साइन लॉ का इस्तेमाल करेंगे और साइन लॉ का इस्तेमाल करके यहाँ से एंगल कैलकुलेट करेंगे। अब जब देखिएगा मैंने पेयर बनाया, लेंथ है 9, उसके सामने एंगल आ रहा है sin 65। दूसरी लेंथ है 7, उसके सामने एंगल है पी आर क्यू। हमें एंगल पी आर क्यू कैलकुलेट करना है, लिहाजा पहले साइन पी आर क्यू को सब्जेक्ट बनाएंगे। साइन पी आर क्यू 9 की जगह पे आ जाएगा और 9 साइन पी आर क्यू की जगह पे आ जाएगा। sin 65 7 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे जनाब, कैलकुलेट करके आंसर बनता है ये। लेकिन चूंकि हमें एंगल चाहिए, लिहाजा साइन इनवर्स की मदद से ये एंगल कैलकुलेट करेंगे, तो एंगल बनता है हमारे पास 44.82195। एंगल का उसूल है कि उसे 1 डेसिमल प्लेस पे लिखा जाता है, लिहाजा आंसर बनेगा 44.8 डिग्री। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह ताला हम नई मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो की तरह आपके साथ हाजिर होंगे और हम मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, स्पेशली पेपर 2। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, टेक केयर।